दोस्तों आपको मैं आज बताऊंगा एक धमाकेदार ट्रिक। अगर किसी भी तरीके से ट्रिगोनोमेट्री त्रिकोणमिति आपके सिलेबस में है, भले आप 10th क्लास में हो या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि लास्ट तक जाते जाते आप करीबन 36 फॉर्मूले इस ट्रिक से समझ जाओगे। अपनी फिंगर टिप्स पे होगी ये सारी की सारी चीजें। तो दोस्तों वेलकम बैक टू टॉपर्स विलेज। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की ट्रिक सबसे पहले पता करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं अब। तो यहां पर मैंने क्या किया कि जो ये जो तर्जनी जो फिंगर होती है ये वाला, इस पर मैंने लिखा है साइन और कोस। बीच वाली जो मिडिल फिंगर है उस पर लिखा है टेन एंड कोट, और जो लास्ट जो जो अपनी जो रिंग फिगर होती है उसको उस पर लिखा मैंने सेक और कोसेक। ठीक है, इस टाइप से आपको लिखना है साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। ठीक है, इधर ये तीनों सीओ 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 वाले हैं, इधर विदाउट सीओ है साइन टेन और सेक। देखो इससे ना इसकी सिक्स टाइप के एप्लीकेशन देखेंगे कि रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले कौन से होते हैं, सप्लीमेंट्री आइडेंटिटीज, और अगर क्लॉकवाइज देखेंगे तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। देखो भाई रेसिप्रोकल देखना है कौन किसका कब कैसे रेसिप्रोकल होता है। आपने देखे होंगे कुछ रेसिप्रोकल के फॉर्मूले, तो ध्यान रखना साइन और उसके सामने कौन है कोसेक, ये अपोजिट जो नंबर होते हैं, यहाँ पे लिखा मैंने हिंट सी अपोजिट। अपोजिट जो भी नंबर होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, रेसिप्रोकल। मतलब साइन का रेसिप्रोकल कौन हो गया कोसेक, और कोसेक का कौन हो गया साइन, कोस का क्या हो गया सेक, और सेक का क्या हो गया कोस, और टेन का क्या हो गया कोट, और कोट का क्या हो गया टेन। तो मतलब ये वाला सिस्टम जो ना, देखो ये जो सिक्स जो फिगर्स है ना, सिक्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है, साइन का साइन, कोस का कोस, कोट का कोट, और इधर कोसेक का कोसेक, सेक वाला इधर लिख लिया, और टेन जो सबसे लेफ्ट में है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो अपोजिट देखना कि ये इसका अपोजिट हो गया, तो साइन का रेसिप्रोकल कौन गया कोसेक, मतलब जो कोसेक होगा कोसेक थीटा इक्वल टू वन अपॉन साइन थीटा। ठीक है, और इसी हिसाब से इसका वो भी रेसिप्रोकल हो गया इसका, मतलब जो साइन थीटा है इक्वल टू वन अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है, इस टाइप से ये इस एरो पर इतने सारे बन गए। अब इस पर भी दो फॉर्मूले बन जाएंगे कि कोस थीटा इक्वल टू वन अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू वन अपॉन कोस थीटा। मतलब ये सेक थीटा इक्वल टू वन अपॉन कोस थीटा, और कोस थीटा इक्वल टू वन अपॉन सेक थीटा हो गया। ठीक है, इसका भी बना सकते हो आप, ऑपोजिट देखना है। ठीक है, रेसिप्रोकल के लिए देखना आपको ऑपोजिट एकदम सामने, फिर इसका क्या बनेगा टेन का tan थीटा इक्वल टू वन अपॉन कोट थीटा, और कोट थीटा इक्वल टू वन अपॉन tan थीटा। ठीक है, यहां पर कोट थीटा इक्वल टू वन अपॉन tan थीटा, और tan थीटा इक्वल टू वन अपॉन कोट थीटा हो गया। अब बढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की तरफ। देखो 10th क्लास में और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी आता रहता है, आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्मूले भी आपको पता होनी चाहिए। तो देखो कैसे करते हैं, इसमें क्या करना है कि यहां पर जो मैंने लिखा है इसका ना ऐसे आधा डिवाइड कर देना, इस टाइप से कि इधर जो सीओ सीओ मैंने स्टार्टिंग में बताया था, सीओ सीओ जो लगे उनको तो कर दो इस साइड, और जो विदाउट जो सीओ लगे उनको कर दो इस साइड। देखो ये जो सीओ 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 जो आता है ना, ये इसकी वजह से आता है, कॉम्प्लीमेंट्री में जो सीओ लगा है उसकी वजह से। ठीक है, आप इन दोनों को एकदम रिलेट करके समझ सकते हो। तो इसको यहां पर इस टाइप से डिवाइड कर देना दो टुकड़ों में, सारे तीन तीन के, सिक्स को तीन तीन में डिवाइड कर देना। तो होगा क्या कि इधर वाला जो नंबर है ऊपर वाला वो इसका कॉम्प्लीमेंट्री, और ये वाला इसका कॉम्प्लीमेंट्री है। ऐसे ही मिडिल फिंगर पर भी ऐसा ही होगा, ये जो कोट है ये टेन का रेसिप्रोकल है, और सॉरी रेसिप्रोकल नहीं कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कोट जो है वो टेन का कॉम्प्लीमेंट्री है, और टेन जो है कोट का कॉम्प्लीमेंट्री है, और ऐसे इधर ये हो गया सेक जो है वो कोसेक का कॉम्प्लीमेंट्री, और कोसेक जो है सेक का कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, तो आपको इस टाइप से देखना है कॉम्प्लीमेंट्री के लिए, आपको हॉरिजॉन्टली ऐसे लाइंस बना के देखना है। ठीक है, मतलब इसके इधर इधर वाले और इधर वाले आपस में कैसे कनेक्ट होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। मतलब ये कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा कोस थीटा, और यही चीज अगर कोस के साथ लगाए तो वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा साइन थीटा। और इसके लिए क्या लिखोगे, ये देखो ये दो फॉर्मूले इस कॉम्बिनेशन के लिए बन गए, अब दो फॉर्मूले इनके लिए भी बन जाएंगे। ठीक है, इनके लिए भी दो फॉर्मूले बन जाएंगे बीच वालों के लिए, ये ऊपर वाले से दोनों निकल के आ गए, साइन और कोस आपस में रिलेट होते हैं। अब इससे देखेंगे कि भाई जो ये है अपना टेन और कोट, इससे क्या होगा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोट थीटा, और इधर ये भी होगा कि कोट टेन में भी कन्वर्ट होगा, कोट
90 माइनस थीटा इक्वल टू 10 थीटा, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब ये लास्ट वाला, इसका भी बनेगा कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये जो लास्ट वाली जो लाइन अपनी जो रिंग फिगर होती है वो सेक और कोसेक इनका भी होता है, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सॉरी कोसेक थीटा, और कोसेक और ये वाला इसमें हो जाएगा कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन बन गए। अभी देखो और भी इसके कई कई फायदे हैं इस डायग्राम के ना, कई फायदे हो गए अपने। अब देखो आइडेंटिटीज, आपने देखा होगा कि तीन आइडेंटिटीज आती है 10th क्लास में, तो वो कैसे याद रखना आपको। दोस्तों मैंने क्या किया यहाँ पर, ये जो साइन और कोस है ना इनके बीच में वन लिख लिया, सॉरी साइन और कोस और यहाँ पे वन है, तो ये वो जो ट्राइंगल बन रहा है ये मैंने इधर हाईलाइट कर दिया। देखो साइन है, कोस है और बीच में वन है, तो ये वाला ट्राइंगल, ये इस जो मैंने हाईलाइट नहीं किया ना वो अपने यहाँ पे आइडेंटिटीज में काम के नहीं होंगे, ठीक है, मतलब ये वाला और ये वाला, ये वाला काम के नहीं है, जो हाईलाइट किया है वो अपने काम के हैं। तो होगा क्या कि देखो आपने पहली आइडेंटिटी पढ़ी है, फर्स्ट आइडेंटिटी, वो क्या होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, ठीक है, अगर याद है तो बहुत बढ़िया, अगर याद नहीं है तो देखो यहाँ पर आइडेंटिटीज बनाने के लिए इस टाइप का पैटर्न फॉलो करेंगे हम, इस टाइप का, ठीक है, यहाँ से लेफ्ट लेफ्ट ऊपर की तरफ से हम थोड़ा राइट में जाएंगे ऊपर ही, फिर नीचे आ जाएंगे इस टाइप से। तो इसमें भी ये डायग्राम बना लिया, इसमें भी ऐसा डायग्राम बना लिया, और इसमें भी ऐसा मैंने डायग्राम बना लिया। तो पहला फॉर्मूला क्या होगा, जो पहला और दूसरा ना इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करोगे तो तीसरा मिल जाएगा हमें, लास्ट फाइनल मिल जाएगा। तो क्या होगा, देखो पहला कौन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस दूसरा क्या है कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू तीसरा वन, वन का स्क्वायर वन ही हो गया। फिर तीसरी जो तीसरी दूसरी आइडेंटिटी वो क्या होती है, दूसरी आइडेंटिटी हम इधर से निकाल लेते हैं, इसका स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस इसका स्क्वायर वन इक्वल टू ये सेक स्क्वायर थीटा। तो आपने थर्ड सेकंड वाली आइडेंटिटी ये पढ़ी होगी, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या फिर टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, कैसे भी याद कर लो फिर उसके बाद में। तो फिर ये थर्ड वाली आइडेंटिटी इस वाले ट्राइंगल से आ जाएगी, इस वाले ट्राइंगल से, तो इसमें क्या बोलेंगे, पहला ये है दूसरा ये तीसरा है, तो वन वन का स्क्वायर वन प्लस दूसरे का स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू तीसरे का स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तीसरे पे आके रुक जाएंगे वो, अकेला तीसरा अकेला ही रहेगा एक साइड में आरएचएस में। और कई बार क्या होता है कि देखो यहाँ पे उल्टा भी कर सकते हैं, तो उल्टा भी आसान है, जैसे मैं इसमें समझा सकता हूँ कि अगर उल्टा चलेंगे इसी फ्लो में उल्टा चलेंगे तो क्या होगा वन, तो फिर हमें ना दूसरे वाले को माइनस करना पड़ेगा, बस ओनली दूसरे वाले को, वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। इस टाइप से और भी आइडेंटिटीज बन जाएगी, हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बस वो साइन इधर उधर होता रहेगा। अब बढ़ते हैं आगे इसका एप्लीकेशन, देखो यहां तक समझ में आ गया ना, रेसिप्रोकल कॉम्प्लीमेंट्री और आइडेंटिटीज वाले फॉर्मूले। अब कुछ और भी फॉर्मूले आते हैं जैसे टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये सब चीजें वो हम देखेंगे। देखो भाई यही इसी डायग्राम में अगर हम क्लॉकवाइज मूव करें, जैसे घड़ी चलती है ना उस डायरेक्शन में, उस दिशा में हम अगर चले तो भी हमें कुछ ना कुछ चीजें मिलती है। क्लॉकवाइज मतलब इस टाइप से घूमना हमें, इस टाइप से जैसे घड़ी चलती है उस हिसाब से। तो देखो इसमें होगा क्या, ये मैंने तैयार किया है, देखो हमेशा यही होगा क्लॉकवाइज चलो या एंटी क्लॉकवाइज करो, दोनों में यही है, फर्स्ट जो नंबर होगा वो सेकंड अपॉन थर्ड होगा। जैसे मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, यहां से तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है, यहां से क्लॉकवाइज चलना आपको, इस फ्लो में चलना है। तो मैंने यहां से देखा सबसे पहला 10 से स्टार्ट करके, तीन नंबर लेने आपको, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, जो पहला नंबर है इक्वल टू दूसरा नंबर अपॉन तीसरा नंबर। तो फॉर्मूला क्या बन गया अपना, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। देखो भाई अगर साइन से स्टार्ट करते हो तो साइन पहला हो गया, ये कोस दूसरा हो गया, और कोट क्या हो गया तीसरा। तो साइन का फॉर्मूला क्या बन गया, साइन थीटा इक्वल टू सेकेंड अपॉन थर्ड कोस थीटा अपॉन कोट थीटा। आप जब इसको सोल्व करोगे ना तब भी यही साइन ही आंसर आएगा, तो कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं। अब अगर कोस से स्टार्ट करेंगे, क्लॉकवाइज ही चलना है ना, कोस से स्टार्ट करके कोट फिर कोसेक, तो कोस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा मतलब यहां से लेके ये वाला बता रहा हूं, कोस थीटा इक्वल टू कोट थीटा अपॉन कोसेक थीटा, ठीक है, पहला इक्वल टू दूसरा अपॉन तीसरा, कोट थीटा अपॉन कोसेक थीटा, ये हो गया। अब कोट थीटा कोसेक थीटा और ये बच गया, अभी इन तीनों के बारे में सोचिए एक बार, कोट थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा हो जाएगा, तो कोट थीटा इक्वल टू
कोसेक थीटा अपॉन, फिर कोसेक थीटा से स्टार्ट करते हैं, तो कोसेक थीटा पहला, दूसरा और ये तीसरा टेन पे जाके रुक गए हम, तो क्या बनेगा, कोसेक थीटा इक्वल टू सेकंड क्या है, सेक थीटा अपॉन थर्ड क्या है, टेन थीटा, ये बन गया। उसके बाद में एक और लास्ट, अगर हम सेक थीटा से स्टार्ट करते हैं तो सेक थीटा से होते हुए, टेन थीटा से होते हुए हम कहाँ तक पहुँच जाएंगे, तीसरा, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, वो तीसरा हो गया, तो सेक थीटा इक्वल टू टेन थीटा अपॉन साइन थीटा, तो हो गया सेक थीटा इक्वल टू टेन थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इतने सारे फॉर्मूले बन जाते हैं अपना काम का, आपने देखा होगा ज़्यादातर ये बहुत ज़्यादा अप्लाई किया जाता है, ठीक है, बाकी फॉर्मूले भी आप अप्लाई कर सकते हो लेकिन ये सबसे ज़्यादा यूज में लिया जाता है, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब बढ़ते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में भी यही फंडा, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में, मतलब इस टाइप से जाना है हमें, इस टाइप से उल्टा, ठीक है, इस फ्लो में जाना है, तभी यही सीन होगा, फर्स्ट इक्वल टू सेकंड अपॉन थर्ड। तो जैसे अब कहाँ, यहां से मूव कर लेते हैं, चलो यहां से मूव करते हैं, तो कोस थीटा क्या होगा, कोस थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन टेन थीटा, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, तो फर्स्ट इक्वल टू सेकंड अपॉन थर्ड, ठीक है, आगे से आगे डिवीजन चलता रहता है। अब बताओ कि साइन थीटा कितना हो गया, साइन थीटा, अगर साइन थीटा से के लिए हम ये तीनों लेके चलेंगे, साइन थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा, तो साइन थीटा क्या हो गया, टेन थीटा अपॉन सेक थीटा। अब फटाफट टेन का फॉर्मूला लिख लेते हैं, टेन से लेके सेक से लेके कोसेक तक, तो टेन थीटा इक्वल टू सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा हो गया। आगे बढ़ते हैं, सेक कोसेक और कोट तक पहुंचते हैं सेक से होते हुए स्टार्ट करके, तो सेक थीटा क्या होगा, इक्वल टू कोसेक थीटा अपॉन कोट थीटा, और यहां पर फिर कोसेक से स्टार्ट करते हैं, कोस तक पहुंचेंगे पहला दूसरा तीसरा करते करते, कोसेक थीटा इक्वल टू कोट थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है, और लास्ट कोट थीटा, यहां से लेके यहां तक ये तीन लोग यहां तक आ जाएंगे, ठीक है, आप ये इससे कनेक्ट करते चलना, कोट थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोट थीटा इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, वो बता रहा हूं मैं, तो यहां पर क्या लिखेंगे, कोट थीटा इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, अपना ये वाला सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है, कोट थीटा जो कि कोस थीटा अपॉन क्या होता है, साइन थीटा होता है। अब बढ़ते हैं लास्ट में, एक और देखो कॉम्बिनेशन होता है यहाँ पर इस चीज से ना, इस चीज से हम कितने सारे फॉर्मूले अभी बना लिए, अभी काउंट करते हैं लास्ट में, तो साइन कोस कोट कोस सेक सेक और टेन, ये है सारे के सारे। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, मल्टीप्लाई ऑल्टरनेटिवली, मतलब जैसे ऑल्टरनेटिवली मतलब एक छोड़ के दूसरा, एक छोड़ के ना, जैसे ए बी सी डी ऐसे लिखा हुआ है, तो ए को बी से नहीं करना, ए को करना सी से ऑल्टरनेटिवली, ठीक है, आगे एक छोड़ के अगला, उससे अगला, इस हिसाब से है। जैसे अगर साइन है, इस कोस को छोड़ दिया मैंने, कोट को मल्टीप्लाई कर लिया, साइन और कोट ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे ना, साइन और कोट, तो ये बीच वाला नंबर लाके रख देंगे हमें, ठीक है, बीच वाला नंबर लाके रख देंगे, मतलब ऐसे कि साइन थीटा इंटू टेन थीटा, सॉरी साइन थीटा इंटू कोट थीटा, साइन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू कोस थीटा हो गया, ठीक है। अब जैसे और अप्लाई करके देखते हैं, चलो ऑल्टरनेटिवली ये कोस लिया मैंने और ये कोसेक लिया, बीच वाला छोड़ दिया, तो क्या होगा, कोस और कोसेक जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो बीच वाला लाके रख देंगे आंसर, तो क्या बनेगा, कोस थीटा मल्टीप्लाई बाय नीचे क्या है, कोसेक थीटा इक्वल टू, ये क्या मिल जाएगा हमें, कोट थीटा मिल जाएगा, समझ रहे हो, ये दोनों ये लाके रख देंगे। अब जैसे इधर कोई फॉर्मूला बना के देख लेते हैं हम, तो जैसे ये साइन लिया, बीच वाला टेन छोड़ दिया, और इधर कोस ये वाला लिया, सेक लिया मैंने, ठीक है, ये जैसे साइन लिया और ये सेक लिया, तो ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये लाके रख देंगे आंसर, ये आ जाएगा। मतलब साइन थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू, बीच वाला नंबर क्या है, ये भी और ये बीच वाला नंबर क्या आ जाएगा, टेन थीटा, ठीक है। तो इस टाइप से और भी आप जितने मर्जी उतने फॉर्मूले बना सकते हो, तो सिक्स फॉर्मूले इसके हो गए, फिर सिक्स फॉर्मूले इसके हो गए, सिक्स फॉर्मूले इसके हो गए, यहाँ पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो सिक्स 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 18 हो गए अभी तक फॉर्मूले। अब यहाँ पे देखते हैं, सिक्स इसके हो गए, सिक्स इसके हो गए, और इसके कितने हो गए, थ्री, और भी बना सकते हो, तो सिक्स सिक्स मतलब 36 के आसपास इसके फॉर्मूले आराम से बन जाते हैं, ठीक है, इस चीज से आप 36 फॉर्मूले आराम से सीख सकते हो, बस आपको सिक्स नंबर लिख लें इस ऑर्डर में, साइन फिर कोस फिर कोट फिर कोसेक, इधर तीनों को सीओ लगे हुए हैं और इधर विदाउट सीओ वाले आ जाएंगे, ठीक।
है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, और ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे, इंटरेस्टिंग और समझने में आसान होगा, मज़ा भी आएगा और आप सीख भी जाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर ऐसे कुछ ट्रिक लेके, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।